eliminate theta from the relation a sec theta is equal to 1 minus b tan theta and a square sec square theta is equal to 5 plus b square tan square theta. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये दो रिलेशन आपको दे रखे हैं और थीटा को हमको एलिमिनेट करना है. तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिलेशन हमको दे रखा है उसमें हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ. ठीक है, तो स्क्वायर करके उसकी वैल्यू को जो है हम इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये मिलेगा ना. तो अब ये वाली वैल्यू जो है आप रिलेशन नंबर टू में यहाँ पर पुट कर दोगे. ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पर अपन ने ओपन कर लिया तो ये क्या बना, 1 माइनस टू बी टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो ऐसा का ऐसा आ ही गया. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा तो कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू बी टेन थीटा इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये 5 है और ये 1 इधर जा कर के माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया b tan theta इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ से आपका tan theta क्या आ जाएगा, tan theta आ जाएगा आपका माइनस 2 बाय बी. ओके, अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ tan theta इन द सेकेंड गिवन रिलेशन, यानी कि tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, इज इक्वल टू 5 प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर इस दोनों जगह पे मैं पुट करूँगा तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 अपॉन बी स्क्वायर आ गया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या आ गया, 4 अपॉन बी स्क्वायर आ गया. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, टेन स्क्वायर थीटा था, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 4 अपॉन बी स्क्वायर ही आएगा इस रिलेशन से. ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ पर जो रिलेशन आया उसमें आपका क्या है, थीटा नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या बोला था, थीटा को ही एलिमिनेट करना था, तो हमारा थीटा क्या हो गया, एलिमिनेट आ गया. उसके बाद फाइनल आंसर आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बी स्क्वायर. इफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट टू कोस एक्स, प्रूव दैट कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट टू साइन एक्स. Given that cos x plus sin x is equal to root 2 cos x, squaring both sides then we get cos x plus sin x whole square is equal to root 2 cos x whole square. Right? तब इसका square open कर लेंगे, a plus b whole square बन रहा है, जैसे उस form से बन रहा है, cos x square साइन एक्स स्क्वायर प्लस टू कोस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स. तो ये वाली टर्म मिलकर के 1 बन गई, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 प्लस टू साइन एक्स कोस एक्स हो गया, और ये हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स. तो कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है. ठीक है, तो अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद इस 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लिया है हम, और बाकी ये दोनों टर्म हम इस साइड लिया है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1
माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया वन माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट टू साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, यही हमको प्रूव करना था। इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू पी, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये दोनों जो इक्वेशन दे रखी है उसको इक्वेशन वन और टू हमने कंसिडर कर लिया, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड एड इक्वेशन वन एंड टू, देन वी गेट तो a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। अब इनका होल स्क्वायर अपन ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए cos थीटा बी साइन थीटा, ठीक है ना। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अपन खोलते हैं तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो उसी तरीके से हमने इसको ओपन कर दिया। सिमिलरली इसको भी ओपन कर दोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब यहाँ देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी ये टर्म्स, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो कि वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो इस टर्म्स से क्या आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा है ना और कोस स्क्वायर थीटा ही बचेगा, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो यह क्या मिल गया आपको, यहाँ से तो ए स्क्वायर मिल गया, यहाँ से बी स्क्वायर मिल गया, ये दोनों टर्म कटेगी, इधर से क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इफ टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन माइनस ए स्क्वायर, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा कोसेक थीटा इजिकल टू टू माइनस ई स्क्वायर टू द होल पावर थ्री बाई टू, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। और दूसरा एल एच एस आपका क्या है, सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा कोसेक थीटा, तो इसमें से आप जो है सेक थीटा कॉमन ले लोगे, तो सेक थीटा तो कॉमन आ गया, वन प्लस टेन क्यूब थीटा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाली टर्म जो है आपकी क्या बन जा रही है, कोट थीटा बन जा रही है। कैसे कोट थीटा बन जा रही है, क्योंकि कोसेक थीटा होता है वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, तो कोसेक की जगह तो वन अपॉन साइन लिख सकते हैं और इस सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोस थीटा, तो ये वन नीचे आएगा कोस ऊपर चल जाएगा क्योंकि ये सेक थीटा क्या है डिनोमिनेटर में, तो कोस अपॉन साइन क्या बन गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा बन गया ना, यानी कि इन दोनों टर्म्स से आपका क्या बन जाएगा, कोट थीटा बन जाएगा, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इन दोनों टर्म्स से आपका क्या बन जाएगा, ये तो कोट थीटा बन जाएगा, बाकी वन प्लस टेन क्यूब थीटा कोट थीटा ये बन गया। अब हम जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा जो होता है वो क्या होती है, वैल्यू वन होती है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, वन अपॉन कोट थीटा होता है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल होता है ना, इसलिए वो वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा आपका, वन बन जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा मिलके क्या बन जाएगा, सेक क्यूब थीटा बन जाएगा ना, सेक क्यूब थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया सेक क्यूब थीटा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ वो हम देख लेते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा लिख सकता हूँ ना इसको,
ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा लिख सकता हूँ। अब सेक स्क्वायर थीटा को तो लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये तो सेक स्क्वायर थीटा को लिखा और ये सेक थीटा को लिखा। अब ये पावर ऐड कर दूँ तो इसकी पावर कितना हो जाएगी भाई, इसकी पावर 1 है, और इस अंडर रूट का क्या मतलब होता है, इसकी पावर हाफ है, तो हाफ और 1 बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो बेस सेम हो गया ना यहाँ पे, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 हो जाएगी। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ मैं, यानी कि इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, बराबर है ये, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी है मेरे को, क्योंकि जो आर एच एस है वो आपको इन द टर्म्स ऑफ ई लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इससे आपने टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दी 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 माइनस ई स्क्वायर हो गया, और इसकी पावर आपकी कितनी है, 3/2 है, तो 2 माइनस ई स्क्वायर टू द पावर 3/2 आपका आंसर आ गया।